देश के लिए शहीद पुलिस कर्मियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में एसएसपी शलभ माथुर ने झंडारोहण किया और एक दूसरे को फ्लैग लगाया। झंडारोहण के बाद एसएसपी शलभ माथुर ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। इस दौरान एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण, एसपी क्राइम अशोक वर्मा सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पीएसी को ध्वज प्रदान किया गया। 23 नवंबर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि है। यह ध्वज हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। पुलिस ध्वज के फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने समय हमें स्वाभिमान और गर्व की अनुभूति होती है। हम सभी में कर्तव्य निष्ठा की नई ऊर्जा संचारित होती है। ध्वजों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। ये ध्वज हमें नए जोश और उत्साह के साथ कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करते हैं। इतिहास साक्षी है हमारे निष्ठावान साथियों की अंतरंग ड्यूटी, कर्तव्य परायणता, जनसेवा, पराक्रम तथा कर्तव्य पथ पर प्राणोत्सर्ग तक करने वाले आत्म बलिदानी वीर साथियों की अनवधिक गाथाओं का उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप पुलिस कलर अथवा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है। जनों की रक्षा करने तथा दुष्टता का नाश करने हेतु वर्दी का धारण करते हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि पुलिस बल जैसे बल में आकर हमको कमजोर व पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाकर उनकी मदद करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें गर्व के साथ धैर्य पूर्वक नायक कार्य करते हुए पुलिस की छवि उज्जवल करनी है और इस पुलिस ध्वज की गरिमा को बढ़ाना है। वर्तमान बदलते परिदृश्य एवं उन्नत तकनीक की सुलभता के युग में अपराध व अपराधियों से निपटने के लिए हमको नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे प्रदेश की पुलिस इन चुनौतियों को डट कर मुकाबला करते हुए अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था कायम करने के साथ साथ पीड़ित आम जनता के व्यक्तियों के पास सहायता हेतु द्रुत गति से पहुंचकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम कुशलता से कर रही है। इसके साथ ही साइबर अपराध, आतंकवाद, सांप्रदायिक उन्माद एवं आंतरिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का भी पूर्ण दक्षता से सामना कर रही है। सभी संगठनों में उनकी नेतृत्वता का विशेष महत्व होता है। अतः हमारे पुलिस संगठन में भी थाना चौकी से ऊपर तक प्रत्येक स्तर पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में मुखिया को ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि उनके अधीनस्थ प्रेरित होकर सदैव अच्छे एवं सराहनीय कार्य करें। हमें परंपरागत अपराधों की रोकथाम हेतु भी सजग रहते हुए पूर्व की पुलिसिंग को भी आत्मसात करते हुए पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पर निरंतर करना चाहिए। अंत में पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पुलिस विभाग के गौरवशाली अतीत की गरिमा बनाए रखेंगे एवं संवेदनशील व शौर्यपूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और प्रदेश पुलिस की जनमुखी एवं उज्ज्वल छवि में नित नया निखारी आता है। जय हिंद। कंधे सस्त।
संतरी खड़े रहेंगे, बाकी परेड विसर्जन। सर साहबान या सब इंस्पेक्टर ही करेगा लाइन के अंदर से। उन्नीस सौ बावन में झंडा जो पुलिस कलर है वो यूपी पुलिस और पीएसी को प्रदान किया गया था। ये बड़ा हर्ष और गौरव का दिन होता है हम लोगों के लिए, साथ ही साथ हम लोगों को एक नई प्रेरणा नई ऊर्जा प्रदान करता है कि आगे किस तरह से अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था में एवं जनता की जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण में हम किस तरह से प्राप्त करें, ये हमें एक नया जोश का संचार करता है।